राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे ए और बी का मान निकालना है और दो इक्वेशन दिया है। इक्वेशन है 2x, दूसरे का पहला पार्ट है और इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये पहला इक्वेशन दिए है। फिर दूसरा इक्वेशन दिए हैं a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई और इक्वल टू ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये दिए हैं, दूसरा इक्वेशन है। तो a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तुलना करके निकालेंगे। पहले तो हम तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y इक्वल यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे समीकरण को, गिनती को भी हम इधर लेके आएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम तुलना कराएंगे इसकी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर x सेम है, तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस सेवन। फिर समीकरण 2 को भी हम जो बराबर के इधर है ना, सबको इधर लेके आएंगे। तो देखते हैं a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और जब इन सबको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। तब इसकी भी हम तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए x सेम है, x से तो कोई मतलब नहीं है। a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी, a2 इक्वल टू a माइनस बी, b2 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए y सेम है तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। फिर c2 इक्वल टू इतना है तो लिखेंगे 3a माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ये c2 की वैल्यू आई। तो फिर हम समीकरण लिखते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। a1 की वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 by a2। a2 की वैल्यू a माइनस बी है, तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू b1 by b2। b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू c1 माइनस 7 है, और c2 की वैल्यू माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, तो यहाँ से a और b में एक इक्वेशन आएगा। तो देखते हैं 2a
टू बाई ए माइनस बी, ये वाला लिए, फिर ये वाला लेंगे इक्वल टू सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे ऐसे, तो सात से ए में गुणा होगा तो सात ए होगा, माइनस सात से फिर बी में भी गुणा होगा तो माइनस बी होगा, नहीं तो ऐसे लिखते हैं सात ए माइनस बी इक्वल टू टू और ये वाला थ्री ए प्लस बी माइनस टू। तो सात से हम ए में भी गुणा कराएंगे और बी में भी गुणा कराएंगे, तो कराते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा सात ए माइनस सात बी इक्वल टू, दो का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा दो तिहाई छः ए प्लस दो एक के दो टू बी माइनस, फिर दो का गुणा दो में होगा चार होगा चार। अब हम ए और बी को एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ रहने देंगे, तो सात ए माइनस सात बी और माइनस में होगा ना, जब छः ए को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस छः ए होगा, माइनस छः ए प्लस टू बी है तो इधर लेके आएंगे माइनस टू बी होगा इक्वल टू माइनस फोर, गिनती को तो हम वही रहने देंगे, तो ये होगा सात ए छः ए, सात में से छः घटाएंगे तो कितना आएगा वन ए आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। अब देखिए यहाँ पे सात बी है माइनस टू बी है, दोनों माइनस माइनस में है ना, तो दोनों संख्या जुड़ेगी सात दो नौ, माइनस नौ बी इक्वल टू माइनस फोर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आया। फिर इक्वेशन सेकंड बनाते हैं, तो यहाँ से हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, तो देखते हैं अभी से हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण बनाते हैं, तो दूसरा समीकरण बनाएंगे ये वाला लिखेंगे थ्री बाई ए प्लस बी इक्वल टू सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे ऐसे, तो ये होगा सेवन ए प्लस बी इक्वल टू थ्री थ्री ए प्लस बी माइनस टू, तो सेवन से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो ये होगा सेवन ए, सेवन ए प्लस सेवन बी इक्वल टू तीन त्रिक का नौ ए, और यहाँ पे वन बी है तो तीन एक के तीन बी माइनस तीन दूना छः। फिर ए और बी को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, गिनती को यही रहने देंगे, तो ये होगा सात ए प्लस सात बी माइनस, ये प्लस में है ना तो बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, माइनस नौ ए माइनस तीन बी बराबर माइनस छः, सात ए माइनस नौ ए, तो नौ में से सात घटाएंगे तो कितना आएगा दो ए आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या नौ है ना, माइनस लिखेंगे, सात बी तीन बी, सात में से तीन घटाएंगे तो कितना आएगा चार आएगा, तो प्लस चार बी इक्वल टू माइनस छः। अब ये हो गया समीकरण दो हो गया, तो अब हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, किसकी ए और बी की, तो यहाँ से ये अब हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक पद हम गायब करेंगे ना, अभी देखिए यहाँ पे दो और दो कॉमन मिल रहा है सब में ना, तो टू हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए बचेगा, प्लस दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दो बचेगा, दो बी इक्वल टू, जब दो बाहर ले लिए कॉमन तो यहाँ से भी दो कॉमन लेंगे तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या तीन बचेगा, तो माइनस तीन, ये इक्वेशन
टू आ गया। अब देखिए इक्वेशन टू के नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, टू के नीचे फर्स्ट लिखेंगे तो ये होगा ए माइनस नौ बी इक्वल टू माइनस चार। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो ये माइनस ए है प्लस ए है, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल होगा। नौ में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा, सात आएगा, माइनस में सात भी इक्वल टू चार तीन सात माइनस सात, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और सात से सात भी कैंसिल होगा, तो बी इक्वल टू वन। बी की वैल्यू कितनी आई, वन आई। अब हम बी का मान चाहे समीकरण एक में रख दें चाहे दो में रख दें तो हमको ए का मान मिल जाएगा, तो हम समीकरण एक में रखते हैं। बी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए माइनस नौ बी इक्वल टू माइनस चार, ए माइनस नौ बी इक्वल टू माइनस चार। तो ए को ऐसे ही लिखेंगे माइनस नौ गुणे बी का मान कितना आया है, एक आया है, तो बी के स्थान पे हम एक लिखेंगे इक्वल टू माइनस चार। ए इक्वल टू नौ इक्के ए माइनस नौ इक्वल टू माइनस चार, ए इक्वल टू माइनस चार, माइनस नौ को बराबर के उधर लेके जाएंगे प्लस नौ होगा, तो नौ में से चार घटाएंगे तो ए का मान कितना आएगा, पाँच आएगा। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी का मान बताइए, ए का मान पाँच आया बी का मान एक आया। फिर इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, 3x प्लस y इक्वल टू वन। तो इसमें भी दो समीकरण दिया है, दूसरे का दूसरा पार्ट है, दूसरे का दूसरा पार्ट ये, तो समीकरण दिया है 3x प्लस y इक्वल टू वन, 3x प्लस y इक्वल टू वन, ये इक्वेशन फर्स्ट दिए हैं। फिर दूसरा दिए हैं 2k माइनस वन, 2k माइनस वन x प्लस k माइनस वन, k माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू टू के प्लस वन, ये इक्वेशन सेकेंड दिए हैं इक्वल टू टू के प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम वन को बराबर के इधर लेके आएंगे तो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसकी हम तुलना कराएंगे किससे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, थ्री आएगी, ए वन इक्वल टू थ्री बी वन इक्वल टू, यहाँ पे वन वाई है तो बी वन इक्वल टू कितना होगा, वन होगा, सी वन इक्वल टू माइनस वन। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम तुलना कराएंगे लेकिन ये सारी गिनती को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तभी तो तुलना कराएंगे, तो टू वाई टू के माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई, और ये जब इधर आएगा बराबर के तो माइनस में होगा, माइनस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसकी तुलना कराएंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, एक्स एक्स सेम है तो ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू के माइनस वन, ए टू इक्वल टू टू के माइनस वन, बी टू इक्वल टू
कितना होगा, के माइनस वन होगा, के माइनस वन। सी टू इक्वल टू, सी टू की वैल्यू माइनस टू के प्लस वन, माइनस टू के प्लस वन। अब देखिए, अब हम समीकरण लिखेंगे, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये किसका होता है, इसका कोई हल नहीं है, सॉरी इसके अनेक हल हैं। तो यहाँ पे देखिए, इज नॉट इक्वल टू है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से इसे हम मिटा देंगे। तो यहाँ पे ए वन की वैल्यू थ्री लिखेंगे, ए टू की वैल्यू टू के माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू बी वन, बी वन की वैल्यू वन है, वन लिखेंगे वन, बी टू की वैल्यू के माइनस वन। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन इक्वल टू वन का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो हमको यही संख्या मिलेगी, टू के माइनस वन, टू के माइनस वन। अब देखिए, यहाँ से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे, किससे, थ्री से, तो ये हो जाएगा थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू टू के माइनस वन। तो के को हम एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ करेंगे, तो थ्री के और ये टू के को बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस टू के इक्वल टू माइनस वन, माइनस थ्री को बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस थ्री होगा, प्लस थ्री। तो टू थ्री के में से टू के घटाएंगे तो कितना आएगा, वन के आएगा। तो के इक्वल टू तीन में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, दो आएगा। और यही तो कह रहा है, के का मान बताइए, तो के का, के की वैल्यू आ गई, के इक्वल टू टू।